लेकर आए हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। इस स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे कि जब आप MI का बॉक्स अटैच करोगे तो आपकी स्क्रीन पर टीवी ऑन करते MI का लोगो मिल जाएगा। इस लोगो पे आपको वेट करना है। देखिए नीचे डिजिटल डूल बाय ऑडियो है, इसमें DTDS 2. डिजिटल आउटपुट और HDMI केबल का आउटपुट है। बेहतरीन MI बॉक्स ये है, एंड्रॉयड टीवी बॉक्स। हम टीवी स्क्रीन पर आपको स्टेप बाय स्टेप इसको फर्स्ट टाइम जब डब्बे से अनबॉक्स करते हैं तो ये स्क्रीन आपके सामने आएगी, एंड्रॉयड टीवी लिखा आएगा और ये किसी भी टीवी पे काम कर सकता है। हम इसकी स्टेप बाय स्टेप प्योर हिंदी में कॉन्फ़िगरेशन आपको सिखाएंगे कि कैसे आप इस एंड्रॉयड टीवी को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्क्रीन ये आएगी, आपको रिमोट में दो बटन दिख रहे होंगे जो टीवी स्क्रीन पे दिखाए, इनको 2 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है तो ये इसके साथ पेयर हो जाएंगे। देखिए वहाँ कनेक्टिंग लिखा आ गया, मैंने रिमोट के वो दोनों बटन और ये आ गया कनेक्टिंग सक्सेसफुल। इस तरह से सबसे पहले जो आपको वाईफाई रिमोट इसके साथ मिला है उसको आपने कंफिगर कर लेना है। उसके बाद ये आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए कहेगा। देखिए वेलकम लिखा आ रहा है, हर देश की लैंग्वेज यहाँ दिखाई दे रही है तो आपको इंग्लिश इंडिया लेना है। उसके बाद ये आपका रीजन जानना चाह रहा है कि आप किस दुनिया में किस जगह से बिलोंग करते हैं। तो मैं इंडिया से हूँ तो मैं यहाँ इंडिया लूँगा, आप जिस भी कंट्री से है उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद टीवी स्क्रीन पे आपको प्लेस बैट लिखा है, इसको यूज़ करना और कन्फ्यूज करना बेहतरीन आसान है। एंड्रॉयड टीवी बॉक्स है, इसकी इतनी सी सेटिंग आपको करना है। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है क्विकली सेटअप यूर टीवी विद यूर एंड्रॉयड फोन। अब दोस्तों आपको अगर इसको स्किप कर देंगे तो आपको बहुत सारे मैनुअल टास्क करने पड़ेंगे, आपके टीवी का मोबाइल बॉक्स के साथ इसको अटैच करना पड़ेगा वगैरह वगैरह वगैरह। आपको एक बेहतरीन सा तरीका बताते हैं, आप इसे कंटिन्यू कीजिए इस स्टेप को, क्विक सेटअप योर टीवी विद योर एंड्रॉयड बॉक्स, इसको कंटिन्यू करना है आपको। अभी ये कह रहा है कि आपका जो एंड्रॉयड फोन है उसको ओपन कीजिए और आगे का स्टेप वहां पे होगा। तो अब मैं आपके साथ नेक्स्ट इसकी अपने फोन की स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ जिस पर मैं बाकी का स्टेप फॉलो करूंगा। तो दोस्तों ना तो आपको कोई टीवी का पासवर्ड देना है, मतलब जिस वाईफाई से आपका फोन कनेक्ट है जो ईमेल आईडी आपके मोबाइल में है वो एज इट इज इसमें कनेक्ट हो जाएगी। तो बेहतरीन आपको अपने मोबाइल का वाईफाई ऑन कर लेना है जिस वाईफाई से आपको इसको पेयर करना है। उसके बाद आपको क्या करना है जी, अब मैं इसके साथ ले चलता हूँ आपको मोबाइल स्क्रीन पे। मोबाइल स्क्रीन पे मैं क्या कर रहा हूँ आपको दिखा देता हूँ। ये क्या कह रहा है, आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर एंड्रॉयड फ़ोन ओपन करना है और प्री इंस्टॉल गूगल ऐप खोलना है। तो अपने फ़ोन में गूगल ऐप को सर्च कर लीजिए, ये गूगल ऐप है हमारे पास जो हर फ़ोन में पहले से इंस्टॉल है। यहाँ पर आपको ओके गूगल टाइप टू स्टे एंड सेटअप द माई डिवाइस, सेटअप माई डिवाइस। जैसे ही आप ये कहोगे तो आप देख सकते हैं गेटिंग स्टार्ट लिखा आ गया, यहाँ आपका डिवाइस सर्च करने लग जाएगा। फ़ोन जो भी नियर बाय MI टीवी बॉक्स लगा होगा उसको आपका फ़ोन सर्च करने लग गया। ये देखिए एक कोड दे रहा है, ये कोड आपके मोबाइल स्क्रीन पे भी आप देख रहे हो मेरे आ गया और टीवी स्क्रीन पर भी आ गया, तो इसे नेक्स्ट कर देना। अभी मेरे घर पे जो वाईफाई सिग्नल्स आ रहे हैं उनके नाम आ रहे हैं, तो मेरा hemsingh.com से कनेक्टेड है तो मैंने इससे ही अपने एंड्रॉयड को भी कनेक्ट कर दिया एंड कॉपी योर डिवाइस कर दिया। तो जैसे ही मैं करूँगा और ये पूछ रहा है कि मेरी किस ईमेल आईडी से मैंने इसको सिंक करना है, तो मैंने इसको अपनी hemsingh सिरसा वाली ईमेल आईडी से सिंक कर दिया। तो ये ऑटोमेटिक मेरे एंड्रॉयड टीवी बॉक्स में सब कुछ इंस्टॉल कर देगा, यानी कि मेरा ईमेल आईडी, मेरे वाईफाई के पासवर्ड A to Z ये इसके साथ कॉन्फ़िगर कर देगा। मुझे मैन्युअली कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये 2 मिनट आपके सामने चल रहा है और ये यहाँ लिखा आ जाएगा कि आपका सारा का सारा डेटा आपके MI बॉक्स 4 में लोड हो गया,
सक्सेसफुल। देखिए, इसने मेरा वाईफाई कनेक्शन भी इस्टेब्लिश कर दिया, इसने मेरा सब कुछ, और ये लास्ट में अपने रिमोट से कह रहा है कि मुझे टर्म ऑफ कंडीशन एक्सेप्ट करना है। मोबाइल फोन पे हमने क्लोज कर देना है, मोबाइल फोन का काम खत्म। मोबाइल फोन ने इतना ही काम करना था, अभी आपको टर्म ऑफ कंडीशन को एक्सेप्ट कर देना है, जो आपके एम आई बॉक्स की टर्म ऑफ कंडीशन है। तो जो ऐप, जो हिस्ट्री आप अपने फोन में कैरी कर रहे थे, सभी की सभी एज इट इज आपके इस एंड्रॉइड बॉक्स में, टीवी बॉक्स में कॉपी हो जाए। ये कुछ प्रोसेस करेगा इंटरनेट के थ्रू और आपका टीवी बॉक्स, ये देखिए गूगल असिस्टेंट भी इसमें है, उसको कनेक्ट करने के लिए कंटिन्यू करना है, टर्न ऑन कर देना है और यस, गूगल असिस्टेंट को इनेबल कर देना है। कुछ ऐप्स ये आपसे पूछेगा कि ये ऐप्स क्या आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना चाहते हैं, अगर नहीं चाहते तो इनको अनटिक कर दीजिए रिमोट से ऊपर नीचे करके। अगर आप चाहते हैं कि ये सारी ऐप्स इसमें डले तो आप इसको ओके कर दीजिए, इसको कंटिन्यू कीजिए, ये सभी ऐप्स को इंस्टॉल कर देगा। तो ये आ गया, योर एम आई बॉक्स 4 इज़ पावरफुल बाय एंड्रॉयड टीवी। ये अभी आपका स्टार्ट हो गया, आप इसके थ्रू अब काम कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है इस एम आई के एंड्रॉयड टीवी बॉक्स को इंस्टॉल करना और अपने टीवी पर चलाना। तो ये इसकी पहली डैशबोर्ड स्क्रीन है, आप देख सकते हैं अभी ये लोड हो रहा है। जैसे आपके फोन में जितनी भी ऐप्स हैं वो बाय डिफॉल्ट इसमें डली हुई है, और भी ऐप्स आप इसमें डाल सकते हैं। इधर से आप जाके ये ऐप्स, ये नेटफ्लिक्स, ये फीचर्स और ये एक्सोमी टीवी में कुछ ऐप्स आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट डली हुई है, जिसके जरिए आप कुछ आनंद ले सकते हैं विदाउट, मतलब इंटरनेट के थ्रू। जैसे पिटारा चैनल पे पंजाबी फिल्म्स आती है, तो मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। एक्सोमी टीवी प्लस के जरिए आप इसको बिना इसी तरह जी बिजनेस भी आपके इस एक्सोमी टीवी का ही पार्ट है, आप इसको भी चलाकर देख सकते हैं। सेक्टर के लिए अच्छा नहीं मान रहे हैं, हर खरीदारों के हक की बात, राज्य ने ना, इसलिए हम इसको भी एग्जिट कर देते हैं। इसी तरह से इसमें कुछ एयर कंसोल टीवी भी है, इस एयर कंसोल टीवी में आप कुछ गेम्स का एंजॉय कर सकते हैं जो पहले से एमआई वालों ने इसमें डाल रखी है। इसके बाद इन टीवी चैनलों के बाद आपके पास कुछ नेटफ्लिक्स का भी अगर सब्सक्रिप्शन है तो आप उसको भी देख सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर आपको वो अलग से लेना पड़ेगा। नेटफ्लिक्स ऐप इसमें बाय डिफॉल्ट डली हुई है। प्ले नेक्स्ट में जी बिजनेस या सुगमी टीवी से जो आपने चलाया था ऊपर, ये फिर नेटफ्लिक्स प्राइम, इसका भी सब्सक्रिप्शन चाहिए। यूट्यूब का कोई सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए। जो फ़ोन में आपके यूट्यूब हिस्ट्री चल रही थी उसके जरिए आप इस एम आई टीवी बॉक्स में भी, ये देखिए पूछ रहा है कि मेरी जो ईमेल आईडी थी उसके थ्रू ही चलना है या किसी नई से चलना है, तो मैं उसी से चल रहा हूँ। बाकी आप चाहो अनदर ईमेल आईडी भी ऐड कर सकते हो इसके अंदर। तो ये मेरे कुछ जो मेरे चैनल्स बने हुए हैं उसके जरिए पूछ रहा है किस चैनल के थ्रू यूट्यूब को प्ले करना है, तो आप उसके जरिए इसको प्ले कर सकते हैं। जो फर्स्ट टाइम कुछ लेगा तो ये देखिए यूट्यूब जैसे आपके मोबाइल में जो मैंने सर्च किया हुआ था वो सभी टास्क इस पर भी अवेलेबल है, आप यूज करके देख सकते हैं। तो बेहतरीन, बहुत ही आसान है एंड्रॉयड टीवी बॉक्स को इनेबल करना। अब बात आती है कि आपको कुछ और ऐप्स भी इसमें डालने हैं या कुछ और ऐप्स भी आपको चाहिए, तो आप ऐप्स पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए ये इतने ऐप्स तो इसमें प्री इंस्टॉल डल गए हैं, और चाहिए तो गेट मोर पे क्लिक किए। जैसे आपके मोबाइल में प्ले स्टोर होता है, सेम गूगल प्ले स्टोर, सेम जो आपके मोबाइल ईमेल आईडी है उससे सिंक होकर यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर जो भी ऐप्स आप जैसे फ़ोन में डालते हैं उसी तरह से ये ऐप्स का गूगल प्ले स्टोर आ गया है। इसमें जाके आप सर्च कीजिए जिस भी ऐप को आप चाहते हो, जूम मीटिंग, गूगल मीटिंग, एवरीथिंग, वो आप यहाँ टाइप कीजिए या गूगल असिस्टेंट के जरिए भी इसको टाइप करवा सकते हैं। गूगल मीट,
इसकी एप्लीकेशन की परमिशन मांग रहा है। तो जैसे हम इसे कहते हैं जूम मीटिंग, रिजल्ट्स फॉर जूम मीटिंग ऑन द गूगल प्ले स्टोर। इसी तरह से आप गूगल असिस्टेंट के जरिए भी कुछ भी सर्च करा सकते हैं, या फिर आप ये गूगल मीट इसने ढूंढ लिया है। अगर आप जैसे मान लीजिए कोई और ऐप डालना चाहते हैं जो ऐप इसके पास नहीं है, तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। गेट मोर ऐप में जाके यहाँ पे हम कुछ सर्च करने के लिए कहेंगे तो ये हमें सर्च करके भी दे देगी। कुछ ऐप्स ये दिखा रहा है, अगर यहाँ से सिलेक्टेड ऐप डालना चाहते हो आप डाल लीजिए। अगर आपको वो यहाँ नहीं दिखाई देता है तो आप ऐप में जाके या सर्च करके भी अपनी उस ऐप को डाल सकते हैं। जैसे नीचे कुछ पॉपुलर ऐप आ गई है, सोनी लीव, एम एक्स प्लेयर, जो भी ऐप G5 आप डालना चाहते हो उनको आप डाल सकते हैं। एप्पल TV भी है इसका पार्ट, आप एप्पल TV भी डाल सकते हो। जो भी ऐप चाहो आप, जिसका सब्सक्रिप्शन आपके पास है वो हैंडल जाएगी। टाइप करके सर्च करना चाहो तो भी कर सकते हो, जैसे मुझे G5 करना है तो यहाँ मैं जेड दूंगा, जी ले लिया। जैसे आप अपने फोन में एंड्रॉइड प्ले स्टोर से गूगल प्ले स्टोर में जाके कर लेते हैं। देखिए G5 का ऐप इसने सर्च कर लिया है। फोन की तरह ही हमें इस पे आके इसको सिलेक्ट करना है और हम इसे इंस्टॉल कर सकते हैं बिना किसी किंतु परंतु। देखिए यहाँ पे इंस्टॉलिंग शुरू हो गया, पेंडिंग लिखा रहा है, तो इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करेगा और इसको इंस्टॉल कर देगा। इस तरह से आप अपने MiTV बॉक्स को बेहतरीन तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये मतलब 4,000 रुपये में बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, और आपके नॉर्मल से नॉर्मल TV सिर्फ उसमें HDMI पोर्ट होना चाहिए, ये उसको एंड्रॉयड TV में कन्वर्ट कर देगा। तो हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही टेक्निकल अनबॉक्सिंग वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। Thank you and bye-bye.